भारत सरकार की तरफ से युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई है। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है जिसे पीएम इंटर्नशिप स्कीम कहा गया है। 3 अक्टूबर को इसे लॉन्च कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया था। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. आइए समझते हैं कि ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कब से ये स्कीम शुरू हो रही है। इस स्कीम के तहत 5 साल में करीब 1 करोड़ युवाओं को देश की अलग अलग कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। इस स्कीम में इंटर्न को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जिसमें से 4,500 रुपए भारत सरकार की तरफ से और 500 रुपए इंटर्नशिप देने वाली कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक बार एक मुश्त 6,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन? पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा और ये रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक करवाया जा सकता है। इसके बाद रजिस्टर होने वाले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम 2 दिसंबर से शुरू होगा। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। कौन कर सकता है अप्लाई? इस स्कीम में 21 से 24 साल तक की उम्र वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही ITI में ट्रेनिंग लेने वाले, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BA, BCom या BSc, BCA, BBA आदि में ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक शर्त ये भी है कि परिवार के किसी की भी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं कर सकता है अप्लाई? अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, अगर आपके परिजन किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। जो युवा देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT, IIM से पढ़े हैं, वो भी इससे बाहर रहेंगे। कहाँ मिलेगी इंटर्नशिप? इस पायलट प्रोजेक्ट की लागत 800 करोड़ रुपए बताई गई है। बताया गया है कि इन युवाओं को देश के टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी और जहां तक संभव हो सकेगा उनके जिले या राज्य में ही इंटर्नशिप दी जाएगी। कैसे करें अप्लाई? पीएम इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इस पोर्टल की ID है pminternship.mca.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। पोर्टल पर आपको अपने स्किल और इंटरेस्ट की जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर तय होगा कि आपको कहाँ इंटर्नशिप दी जा सकती है। आपको अपना आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने होंगे। सरकार ने यह भी बताया है कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है और ये किसी तरह की नौकरी की गारंटी नहीं देता। साथ ही 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी होने के बाद ये आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।